दांत चेक करने के दंदों पे तो नहीं है, क्योंकि दंदों पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, स्पेशली वो दोस्त जिनके चेहरे पे स्कार्स हैं मेरी तरह। आज मैंने आपको बताना है कि आप कैसे अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं सिर्फ दो प्रोडक्ट यूज़ करके एंड विदाउट फाउंडेशन। ये बहुत ही आसान एंड क्विक वीडियो होने वाली है, सो जल्दी से वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एंड एन्जॉय करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करें। एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके पास कोई वीडियो की और रिक्वेस्ट है तो कमेंट बार में वो भी छोड़ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, जल्दी से वीडियो के साथ शुरू करते हैं। लेट्स गो। फेस मेकअप करने से पहले मेक श्योर करें कि आपका जो चेहरा है अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो। उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर से लगाएं। मैं सुपर गुप सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी लगा ली है। आई डोंट नो, मेरा कैमरा बंद हो गया था, आपने देखा नहीं है। अगर आप सुपर गुप नहीं खरीदना चाहते हैं तो न्यूट्रोजिना की हाइड्रो बूस्ट खरीद सकते हैं। ये अफोर्डेबल है और ये बहुत हाइड्रेटिंग SPF है। और जब आप अपने चेहरे पर लगाते हैं ना, गुम जाती है, दिखती नहीं है चेहरे पर कि कुछ है। जो फीलिंग सनस्क्रीन की आती है ना कि आपके चेहरे पर वो वाइट कास्ट सा बन जाता है, वो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो इससे बिल्कुल नहीं। तो अगला स्टेप है, हम कंसीलर लगाएंगे स्पेशली उसी एरिया पे जहाँ पे स्कार्स हैं, क्योंकि ये नो फाउंडेशन मेकअप है और हम कोशिश करेंगे कि हमारी स्किन को एज नेचुरल रखें जितना हम रख सकते हैं। और बिकेज मैं अफोर्डेबल यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी मेबलिन के फिट मी लाइन के लाइट एंड कैरमल शेड। वो दोनों शेड मिल के मेरे चेहरे का रंग बनाते हैं। अब स्कार्स को हाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंसीलर का शेड आपकी स्किन के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट लगाएंगे तो स्कार्स हाईलाइट हो जाएंगे, अगर डार्क लगाएंगे तो स्कार और ज़्यादा डार्क लगेंगे। सो परफेक्ट शेड का मिलना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आपका शेड आपसे मिलता हो। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे स्कार्स काफ़ी लाइट हो चुके हैं। इसकी वीडियो भी हम जल्दी बनाएंगे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। सो इन दोनों कंसीलर का परफेक्ट मिश्रण हम लगाएंगे हमारे स्कार एरिया पे। सबसे पहले मैं डार्क लगा रही हूँ। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि डार्क मेरे चेहरे पे दिखता है। सो हमें लगाना है सिर्फ वहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है। इट्स माय बर्थडे टुमारो, आई एम सो एक्साइटेड। एक्चुअली आई एम नॉट, बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्ड। सो लाइट कंसीलर को लेके थोड़ा थोड़ा इसी कंसीलर के ऊपर लगा दूंगी, ताकि परफेक्ट शेड बन जाए। अगर आपके चेहरे पर स्कार्स नहीं है और आपकी स्किन फ्लॉलेस है ना, तो आप बहुत लकी हैं, ग्रेटफुल रहें प्लीज़। थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो अलग से ही दिखेगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। अब मैं लूँगी फ्लैट ब्रश जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। टैबिंग मोशन में यूज़ करेंगे और सारे फेस के स्कार्स को हाइड कर देंगे। डैबिंग मोशन आपको सबसे ज़्यादा कवरेज देता है। यू गाइस कैन सी, चिन वाले स्कार गुम चुके हैं। हमारी चिक वाले स्कार्स भी गुम चुके हैं। हमारे अंडर आईज भी ऑलमोस्ट गुम चुके हैं। हमें ऑलमोस्ट गुमाना नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता भी रहेगा तो चलेगा, वी डोंट केयर। हमें थोड़ा सा ही उससे कवरेज देनी है कि जो बहुत ज़्यादा ही काले स्कार्स दिखते हैं वो नहीं दिखे। मैंने आई मेकअप तो ऑलरेडी करके रखा है, पर मैंने अपने आईब्रोज नहीं फिल किए हैं। सो नोज़ पे भी इसी तरह स्प्रेड कर लेंगे। इसी तरह हमारा ये स्कार्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब आप कोई पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करके इसे सेट कर सकते हैं, ताकि सेट रहे हमेशा के लिए, सदियों के लिए सेट हो जाए। सो इस मेकअप को सेट करने के लिए मैं फिट मी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इस शेड का नाम है मीडियम, और इस पाउडर से हम उस सारे एरिया को सेट कर देंगे जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है। ये सेम ब्रश पे ही मैंने प्रोडक्ट ले लिया है।
ज़्यादा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी है एंड इससे स्वेट प्रूफ हो जाता है मेकअप अच्छी तरह अगर आप अपने फेस को सेट कर लेते हैं तो। मेरे स्कार्स थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, इतना मुझे चलेगा क्योंकि अगर इनको पूरी तरह छुपाना है तो हमें फुल कवरेज रूटीन अपनाना पड़ेगा, जो आज मैं नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन्जर यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा सा कॉन्टोर हो जाए, क्योंकि अजीब लग रहा है मुझे। सो ब्लश के लिए ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं मॉर्फी की, आप कोई सा भी ब्लश लगा सकते हैं। थोड़ा सा पीची है ये, इससे मैं अपनी चिक्स पे लगा लूँगी। थोड़ा सा कहा था कुछ ज़्यादा ही हो गया, फाउंडेशन ब्रश के साथ डैब 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 डन। अब मैं थोड़ा सा आई मेकअप एंड आईब्रोज को फिल करने के बाद क्विकली आपसे मिलती हूँ, हम लास्ट स्टेप करेंगे देन। ऑलराइट, तो आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया है और आई मेकअप जो बचा था वो फिनिश हो चुका है। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी जो कि है स्टे मैट लिक्विड लिप कलर फ्रॉम रिमल लंदन, शेड का नाम है रोज एंड शाइन। एक्चुअली मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है कि आपको अपने मेकअप किट में असेंशियल आइटम्स कौन सी चाहिए, वो बहुत ही प्यारी वीडियो है, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है असेंशियल्स एंड आपको मेरे साथ मैं शॉपिंग के लिए भी लेके गई हूँ, ज़रूर से देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और इससे मैं मेरे लिप्स पर लगा लेती हूँ, आई थिंक ये वन ऑफ द लिपस्टिक है जो मैंने उस दिन आपको बताया था। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं, उसके बाद मैं इसे मैटिफाई कर लूँगी, मेरा फेवरेट स्टेप है जो नैपकिन के साथ, ताकि लिप्स बहुत ही नेचुरल एंड मैट किस्म के लगे, समथिंग लाइक दिस। दंत चेक कर लें कि दंदा पे तो नहीं है, क्योंकि दंदों पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है सेटिंग स्प्रे, क्योंकि हमने पाउडर यूज़ किया है एंड सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो फिनिश है बहुत ही नेचुरल, रेडियंट एंड थोड़ी सी फ्लॉलेस भी लगे। सो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने पाउडर यूज़ किया ना, जब मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैंने पाउडर मेरे चेहरे पे लगाया। ये स्टेप असेंशियल है ड्राई स्किन वाले दोस्तों के लिए और उनके लिए भी जो चाहते हैं कि उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, तो मैं इससे स्प्रे कर लूँगी। आज हम बालों की चिंता नहीं करेंगे कि बालों में से ऑलरेडी ऑयल निकलना शुरू हो गया, तो चार पाँच स्प्रे कर लेंगे। ओके, चार पांच कहा था मैंने, 8-9 कर लिए हैं। आज आ रहा है हीरो ऑफ दिस वीडियो। स्प्रे करने के बाद मुझे पक्खी चलना अच्छा लगता है और आपने देखा ही होगा कि मैं गत्ता यूज़ करती हूँ या किसी बॉक्स का लिड यूज़ करती हूँ, पर आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास है पक्खी। गाइज लुक एट दिस ब्यूटिफुल पक्खी, अगर आपको मैं बताऊँगी ना पक्खी कहाँ से आई है आप बहुत हैरान होंगे, ये पक्खी आई है लाहौर से। सो इससे हम पक्खी चल लेंगे, ओह माय गॉड इतना मुझे मज़ेदार फील हो रहा है ना पक्खी चल चल के। एक तो मुझे पक्खी चलना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, मेकअप को ड्राई करने, मेकअप स्प्रे को ड्राई करने के लिए मैं पक्खी चलती हूँ, ऐसे रैंडम घर में पक्खी चलती हूँ। एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने मुझे ये पक्खी दी है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल और ये मुझे बहुत प्यारी लगी है। सो ये लाहौरी पक्खी से मैं मेरा मेकअप ड्राई कर लूँगी। सो इस तरह बिना फाउंडेशन यूज़ किए हमने कवर कर लिए हैं हमारे स्कार्स। आप देख सकते हैं कि स्कार्स कितनी अच्छी तरह कवर हुए हैं, मेरे चेहरे पे स्कार्स कुछ इस तरह के हैं, काफ़ी डार्क हाइपर पिगमेंटेशन जैसे हैं ये स्कार्स। एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो एक्ने स्कार्स के एक्ने के बाद हो जाती है, या फिर आप जब अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं ना तो फिर भी ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और ब्राउन स्किन पे तो हो ही जाती है। सो उसको कवर करने के लिए हमने ये बहुत ही ईजी सा रूटीन अपनाया है बिना फाउंडेशन के। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और इस रूटीन को यूज़ करके आप अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं एंड फेक कर सकते हैं फ्लॉलेस स्किन को। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में मुझे बताना कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइज वेरी मच, बाय। I love you, I love you, I love you, I love you.